फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने मेरा वीडियो शाम से स्टार्ट किया है। शाम के बज रहे हैं कोई 5:30 और आज मन्नू अभी तक कोचिंग से नहीं आया, तो आज मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया और दिन में तक कुछ खास कोई लंच भी नहीं बनाया। और अब मैंने अपनी चाय बना के पी ली है और ये मन्नू की चाय रखी है, बस वो आने वाला है, उसको चाय देती हूँ। और आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा बहुत इजी तरीके से। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मेरे साथ ब्लॉग में बनी रहिएगा। हम आ गए अपना हलवा बनाने के लिए। तो ये मैंने गैस पर कुकर रख लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। और यहाँ पर मैंने ये 2 किलो गाजर लिए हैं, इनको कद्दूकस कर लिया, अच्छे से 2 बार धो के छील के कद्दूकस करके ले लिया है। और हम बनाएंगे झटपट बनने वाला मावे से और कुकर में झटपट से हलवा, जो हमारा आधे घंटे में बनके तैयार हो जाएगा। तो पहले कुकर में घी ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ घी ले लिया थोड़ा सा, इसको कुकर में डाल देते हैं। ये देखिए हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसमें गाजर डाल देती हूँ मैं। इनको भूंज लेते हैं थोड़ी देर। थोड़ा थोड़ा भूंज के मैंने जो गाजर थी वो सारी एक बार में कुकर के अंदर आ गई। और इसमें बीच में हल्की सी जगह बना के बहुत थोड़ा सा दूध डालूंगी, आधा कप जितना, बस आधा कप ही डालना है, ज़्यादा नहीं। और अब इसमें हम 1 सीटी लगा लेते हैं। 1 या 2 सीटी आप लगा सकते हो। और 1 या 2 सीटी आने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। और ये मन्नू अब आया है कोचिंग से आज इतना लेट, और लूसी आते ही देखो कैसे खेलने के लिए कर रहा है, गुस्सा कर रहा है उस पर कि कहाँ था तू इतनी देर से। तो बाहर से पैरदान उठा के ले आया और उसके साथ खेलने लग गया। इसको भी टेंशन हो जाती है जब कोई कहीं जाता है और फिर वो लौट के आते हैं तो खुश हो जाता है। और अब उसके साथ खेलेगा। और इधर ये लेके आया है कुछ सामान, देखती हूँ क्या लेके आया है। लूसी क्या कर रहा है ये? और ये हलवे में सीटी आ गई। बस गैस को बंद कर दूंगी और चाय को छान लेती हूँ और इस कुकर को ठंडा होने देते हैं। और ये देखिए सब मैंने ना प्लेट लगा के तैयार कर दी। मन्नू लूसी को वॉक पर लेके गया है, आएगा वो फिर हम दोनों बैठ के खाएंगे, दोनों माँ बेटे, क्योंकि उसके पापा तो अभी लेट आएंगे। तो गोलगप्पे देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आ जाइए आप लोग भी गोलगप्पे एंजॉय कीजिए हमारे साथ। कुकर का प्रेशर निकल चुका है, अब उसको मैं खोल के चेक कर लेती हूँ एक बार। और हमारी गाजर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको रखते हैं नीचे और गैस को करते हैं ऑन। और ये हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई। और अब जो ये गाजर का जो हलवा है, जो गाजर है, इसको हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। और ये हलवा कढ़ाई में मैंने जो डाल लिया, अब इसको फुल गैस का फुल फ्लेम करके और इसका जो भी इसके अंदर जो पानी है उसको सुखाएंगे हम। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गाजर तो हमारी पहले ही एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, इसलिए हमने इसको ना कुकर में सीटी लगाई थी। जब घर में मेहमान आने वाले हों और आपको फटाफट से बनाना हो, वो घंटों का टाइम ना हो कि दूध लो फिर दूध के साथ गाजर को बॉईल करो, उसमें तो 4-5 घंटे जाते ही हैं। तो इस तरह से फटाफट से हमारा हलवा बनके तैयार होगा, आप देखना आधे घंटे में। गैस का फ्लेम तेज है और इसको पानी को थोड़ा सूखने देते हैं। थोड़ी देर में ही इसका काफ़ी पानी सूख चुका है। अब इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो हम इस टाइम पे ये 1 कटोरी मैंने मेरे अंदाजे से ले लिया है, ये होगी हमारी कम से कम 200 ग्राम के आसपास शक्कर। 200 ग्राम ये चीनी है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप जितना मीठा खाएं, गाजर भी मीठी होती है। और ये खाने में आपको उतना ही टेस्टी लगेगा जो आप दूध वाला बनाते हो ना, कोई ये नहीं लगेगा आपको कि आपने ये आधे घंटे में बना के तैयार किया, टेस्ट वही आने वाला है, उससे भी बल्कि अच्छा आएगा टेस्ट।
साथ साथ में मैं ना इसमें जो मेरे पास अभी फ्रेश मलाई है 2-3 चम्मच वो ऐड कर देती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मलाई डालने के बाद, और अब इसका पानी सूखने देते हैं जब तक मैं इलायचियों को 5-7 इलायची लेके उनको कूट करके उनका पाउडर बना लेती हूँ। इधर ये हलवा हमारा अच्छे से उबल रहा है और इसमें अभी बस थोड़ी देर में ही पानी सूख जाएगा। ये देखिए हलवे का हमारे यहाँ काफ़ी हद तक पानी जो चीनी का डाला था वो सूख चुका है। इसको चलाते हुए ये मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी जिससे चीनी डाली थी वो कटोरी भर के मावा, और अगर इसको वजन के हिसाब से देखें तो ये हमारा 1/2 किलो मावा होगा, तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और ये मावे को डाल के इसको लगातार 2-3 मिनट लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। और मैं तो हलवा अभी आए दिन बनाती रहती हूँ, इन सर्दियों में मैंने 5-6 बार बना लिया क्योंकि मन्नू को बहुत शौक है गाजर के हलवे का, वो भी बिना ड्राई फ्रूट्स वाला, ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने देता वो। और हर साल तो मेरी मम्मी के यहाँ से भी बन के आ जाता था, उनको पता है कि मन्नू को बहुत पसंद है तो कोई भी वहाँ से आता था तो भेज देती थी। और ये देखिए इसको मैंने 5 मिनट ऐसे इस तरह से चमचे से यूँ घोंटते हुए, ऐसे चमचे को मैंने ऐसे की करछी को ऐसे मारते हुए इसको चला लेंगे। हलवा हमारा भून चुका है, बनके तैयार हो चुका है। और जो हमने इसमें मलाई डाली थी ना तो उससे अब हमें घी इसमें बिल्कुल नहीं डालना पड़ेगा। आप साइड से देख सकते हो जो मलाई डाली थी उसका घी अलग हो गया और किनारियों पे घी आ रहा है, तो जो हमें ऊपर से घी डाल के भूनना पड़ता है ना वो घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मलाई से ही हमारा ये बहुत अच्छा होगा। बस इसको इस तरह से आपको हाथ से चलाते हुए मिक्स करना पड़ेगा मावे को, जब भी हमारा मावा अच्छे से मिक्स होगा नहीं तो उसकी गांठें जैसी बन जाएंगी। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हलवा बन के तैयार हो गया हमारा, और 1/2 घंटे से भी कम टाइम लगा है हमें बनाने में। और ये जो मैंने इलायची का पाउडर रखा है बना के इसको भी डाल देते हैं इसमें। हलवा हो गया हमारा बन के तैयार, अब इसमें से थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं फिर लड्डू का भोग लगाते हैं। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद फिर सबको देंगे। और अब मैं कर लेती हूँ पूजा, पूजा का टाइम हो गया, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखिए फ्रेंड ये मैंने लड्डू गोपाल के भोग के लिए ले लिया, बस चल के उनका भोग लगाते हैं और आरती करते हैं। तो अब फ्रेंड हमने पूजा कर ली और तुलसी पे दीपक लगा दिया मैंने, और लड्डू गोपाल को हलवे का भोग भी लगा दिया, और आप लोग भी आ जाइए हलवा खा लीजिए। और अब इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट ज़रूर करें, और मुझे कैसे ब्लॉग दिखाने चाहिए वो ज़रूर बताएं, आपको मेरे कौन से ब्लॉग पसंद आते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।